हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं टेक्सचर ऑफ द इग्नियस रॉक्स की। तो आज हम जानेंगे टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर जानेंगे, उसकी मेजर टाइप्स जानेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। टेक्सचर टेक्सचर इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट कंट्रोल द रॉक जेनेसिस, मिनरोलॉजी एंड केमिकल कंपोजिशन, एंड इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट रॉक्स ओरिजिन एंड हिस्ट्री। मतलब टेक्सचर उन प्रोसेसेस का रिजल्ट है जो प्रोसेसेस रॉक्स जेनेसिस, मिनरोलॉजी और केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर इन प्रोसेसेस का रिजल्ट है तो हमें टेक्सचर दे रहा है, और अगर इन प्रोसेसेस से टेक्सचर के बारे में पता लग रहा है, मतलब टेक्सचर से हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि रॉक का ओरिजिन क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या थी। अगर इन प्रोसेसेस से ही हमारा टेक्सचर डिफाइन हो रहा है तो टेक्सचर से हम रॉक्स की ओरिजिन और हिस्ट्री को बता सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये हमारी होगी सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन। दोस्तों जो टेक्सचर हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स के अंदर, विच इज़ द रिजल्ट फ्रॉम वेरियस नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो बहुत सारे प्रोसेसेस का रिजल्ट है जो हम टेक्सचर ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने क्या किया, टेक्सचर को दो प्रिंसिपल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी टेक्सचर और एक सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है, अब प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर में डिफरेंस क्या है कि जब हमारा इनिशियली जब रॉक बन रही होगी या फिर कोई ना कोई सैंपल बन रहा होगा, मतलब जो रॉक इग्नियस रॉक बन रही होगी, वो जब बनेगी किसकी इंटरेक्शन से, मिनरल्स और मेल्ट की इंटरेक्शन से जब बनेगी, तो उस टाइम जो टेक्सचर उसका बनेगा, फाइनली जो कोई भी उसका टेक्सचर बनेगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी टेक्सचर होगा। और अगर एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर कुछ ऑल्टरेशन आते हैं, कुछ एडिशन होता है, कुछ सब्ट्रैक्शन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं एग्जिस्टिंग रॉक के अंदर, मतलब ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस इन द सॉलिड रॉक, वो उसके अंदर जो टेक्सचर होगा फाइनली वो क्या होगा, सेकेंडरी टेक्सचर होगा। ठीक है साहब, तो दोस्तों जो प्राइमरी टेक्सचर अपने पास, वो तीन प्रिंसिपल प्रोसेसेस से बन रहा है। पहला न्यूक्लिएशन, देन क्रिस्टल ग्रोथ एंड देन डिफ्यूजन। न्यूक्लिएशन नाम से ही चिल्ला रहे कि न्यूक्लियस कुछ बनता होगा, मतलब जैसे कि हम कहानी को अगर समझे, इमेजिनेशन करें कि यार सबसे पहले हमारे पास जो मैग्मा होगा वो मैग्मा मान लो सरफेस के ऊपर पड़ा होगा, मतलब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियली। और सरफेस के ऊपर अगर वो पूरा पूरा फैला पड़ा होगा, सरफेस के ऊपर मान लो पूरा पहला फैला पड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या ज्यादा होगी, इसका मतलब उसके जो पूरे सरफेस के ऊपर पड़ा है, कोई लैटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस के ऊपर उसके अनबैलेंस आयंस होंगे। मतलब अगर अनबैलेंस आयंस होंगे तो सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी होगी, मतलब हाई सरफेस एनर्जी। अगर एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल न्यूक्लियस, क्रिस्टल न्यूक्लियाई, क्रिस्टल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टार्ट कौन से प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लिएशन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों सेकेंड नंबर पर बात करते हैं क्रिस्टल ग्रोथ की। क्रिस्टल ग्रोथ मतलब जब हमारे पास क्रिस्टल न्यूक्लियस पहले स्टेप में बना, अब वो अपनी जो हर डायरेक्शन में अपनी लैटिस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ग्रोथ होने स्टार्ट हो चुकी है क्रिस्टल की, क्रिस्टल फॉर्मेशन की स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ आयंस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आयंस आएंगे हर फेसेस से, कंपेटिबल आयंस जुड़ेंगे, जो भी आपस में मतलब बॉन्डिंग इजिली बना सकते हैं वो बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सबसे पहले सिंपल से सिंपल जुड़ेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी तरफ बढ़ते रहेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑक्साइड्स बन जाएंगी, जैसे ओलिविन सबसे पहले बन जाएगा, फिर पायरोक्सिन, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे लास्ट में बनेगा। ठीक है, इसकी जो बॉन्डिंग है बहुत कॉम्प्लेक्स है। या फिर मैं सिंपली बात करूं कि SiO बिल्कुल जैसे, और या फिर माइका, ये सब बनने क्या हो जाएंगी, स्टार्टिंग में स्टार्ट होंगी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, बॉन्डिंग जो स्टार्ट हो रही है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रही है। ठीक है साहब, इस तरह क्रिस्टल की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी, हम एक बेसिक रफ आइडिया लेके चल रहे हैं। ठीक है साहब, तो इस तरह क्रिस्टल ग्रोथ हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करते हैं, थर्ड नंबर पे बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा दोस्तों, भी बात करते हैं अपन डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन जनरली क्या होता है दोस्तों, जनरल क्या होता है कि जो मिनरल की ग्रोथ है, जब मिनरल की ग्रोथ हो रही होती है तो बाद किसी न किसी पॉइंट पे आके वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है मेल्ट के अंदर। मिनरल की ग्रोथ डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है मेल्ट के अंदर, फिर क्या होगा, अगर हमें उस ग्रोथ को, अगर वो ग्रोथ होती रहे
उसके लिए क्या होना चाहिए, नए मटेरियल का डिफ्यूजन होना चाहिए मेल्ट के अंदर, न्यू मटेरियल का डिफ्यूजन होना चाहिए मेल्ट के अंदर ताकि ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है। और फिर वो क्रिस्टल सरफेस तक पहुंचेगा, देन फर्दर जो ग्रोथ होगी वो प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है साहब। तो ग्रोथ को प्रोसीड करने के लिए न्यू मटेरियल मस्ट डिफ्यूज इन मेल्ट एंड रीच द क्रिस्टल सरफेस, ठीक है जी। दोस्तों अभी अपन बात करते हैं ग्रेन साइज ऑफ द रॉक की, मतलब हम कई बार बोलते हैं कि यार इस रॉक, जो कोई भी हमारे पास रॉक सैंपल है, फिर कोई रॉक है ये फाइन ग्रेन्ड है या फिर वो ग्लासी है या फिर वो कोर्स ग्रेन्ड है, हम किस बेसिस पे बोलते हैं, ये ग्राफ हमें उस चीज के लिए बहुत हेल्प करने वाले, ठीक है। हम ग्लासी तो कब बोल देते हैं कि यार जब हमारे पास किसी मैग्मा की इंस्टेंट कूलिंग हुई होगी, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं हम। और अब देखो इस ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या दिखा रखा है कि न्यूक्लिएशन है, ठीक है, न्यूक्लिएशन, और क्या हो रही है, इधर क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इधर मेल्टिंग पॉइंट दिखा रखा है, तीन टेम्परेचर हमें स्पेसिफाई कर रखे हैं TA, TB, TC, ठीक है, इस तरफ रेट है और इस तरफ क्या है टेम्परेचर, ठीक है सब। अगर इधर बात करते हैं अपन, टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है और न्यूक्लिएशन शुरू भी नहीं हुई, मतलब क्या हुआ कि हमारे क्रिस्टल न्यूक्लियस बने ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हम इसको इंस्टेंट कूलिंग बोल दें, तो किधर ग्लास बन रहा होगा इस टीसी पे, क्या ग्लास बन गया होगा, ठीक है साहब। और अगर बात करते हैं हम टीए के अंदर जो न्यूक्लिएशन है वो कर्व बहुत कम है, मतलब छोटे छोटे जो क्रिस्टल न्यूक्लियस है, क्रिस्टल न्यूक्लियाई है वो बहुत कम है, इसका मतलब ग्रोथ ज्यादा है, न्यूक्लियस कम है, मतलब कोर्स ग्रेन्ड नहीं बन रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। इधर देखे अगर ग्रोथ भी हो रही है और साथ में न्यूक्लिएशन भी हाई है, मतलब क्या है, इधर फाइन ग्रेन बन रहे होंगे। तो क्या हम इस बात से, इस ग्राफ से हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि यार कोई भी रॉक का जो ग्रेन साइज है वो फाइन ग्रेन कब होता होगा, वो कोर्स ग्रेन कब, इस ग्राफ से हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं, ठीक है सब। तो दोस्तों हम इस ग्राफ से बता पा रहे हैं कि फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन के बारे में हम इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि कैसे हो रहा होगा प्रोसेस, ठीक है साहब। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी टाइप्स की, तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोर्फेरिटिक टेक्सचर, जिसके अंदर क्या होता है कि जब कभी भी हमारा दो अलग अलग ग्रेन साइज का मिक्सचर इकट्ठा एग्जिस्ट करेगा उस तरह के टेक्सचर को हम क्या बोलेंगे, पोर्फेरिटिक टेक्सचर। जैसे इसके अंदर क्या है, एक तो फाइन ग्रेन्ड और कुछ कोर्स ग्रेन्ड या फिर बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स इसके अंदर इकट्ठे हैं, ठीक है। और इसकी जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं उनको हम बोल देते हैं फिनोक्रिस्ट, और जो फाइन ग्रेन्ड जो पीछे मटेरियल पड़ा है उसको हम ग्राउंड मास या फिर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे फिनोक्रिस्ट है, मान लो ये क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये क्वार्ट्ज है, तो हम बोल देंगे उस टाइम के क्वार्ट्ज फिनोक्रिस्ट। अगर प्लेजुक्लेज है तो प्लेजुक्लेज फिनोक्रिस्ट, अगर हॉर्नब्लेंड है तो हॉर्नब्लेंड फिनोक्रिस्ट, ठीक है। ऐसे भी हम इनके नाम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल प्रेजेंट। दोस्तों सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं फेनेरिटिक टेक्सचर की। फेनेरिटिक टेक्सचर के अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे वो कोर्स ग्रेन्ड, मतलब इतने होंगे, ऐसे मतलब मिनरल्स होंगे जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से भी विजिबल होंगे सैंपल के अंदर, ठीक है, मतलब हैविंग मिनरल्स कोर्स इनफ टू सी विद द नेक्ड आई, ठीक है। और जो ये इस तरह के जो बनते हैं, ये हमें, ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं काफी हाई डेप्थ पे होते हैं, मतलब फेनेरिटिक जो टेक्सचर बनता है वो काफी हाई डेप्थ पे, बहुत नीचे बनता होता है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो फेनेरिटिक है, फेनर मतलब, इसके अंदर अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो फेनर का मतलब होता है विजिबल। फेनर का मतलब क्या होता है, विजिबल, ठीक है। और इसके अंदर जैसे एग्जांपल क्या जाती हैं, ऑलिविन के अंदर डायराइट, ग्रेनाइट, ये सब हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है साहब। तो दोस्तों अपन थर्ड नंबर पे बात करते हैं एफिनिटिक टेक्सचर की, ठीक है। एफिनिटिक, पहले वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, हम पहले पता कर चुके हैं कि फेनर मीन्स होता है अपना
विजिबल, लेकिन अब इसमें जुड़ गया एफिनिटिक, मतलब विजिबल नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, एफिनिटिक टेक्सचर के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो फाइन ग्रेन्ड मिनरल्स होंगे, विजिबल आई से देखना मुश्किल है। जैसे हम फेनेटिक क्रिस्टल के क्रिस्टल्स को, टेक्सचर के क्रिस्टल्स को हम देख पा रहे थे विजिबल आई से, तो हम इसको ऐसे विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है सर। एफिनिटी के अंदर अगर फाइन ग्रेन्ड है मतलब रैपिड कूलिंग हुई होगी, और दीज आर फॉर्म्स एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर बनते हैं, ठीक है साहब। एग्जांपल में हम देखते हैं बेसाल्ट, रायोलाइट और एंडेसाइट, ठीक है। दोस्तों अपन फोर्थ नंबर पे बात करते हैं ग्लासी टेक्सचर की। ग्लासी टेक्सचर क्या इसके नाम से ही पता लग रहा है ग्लास, तो इसका मतलब इसके अंदर ग्लास होगा, ग्लास कलर्ड ग्लास हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी विजिबल क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, नो विजिबल क्रिस्टल। और हमें पता है ग्लासी टेक्सचर जो बनता है एक्सट्रीमली फास्ट कूलिंग से बनता है, इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल नहीं बना पाते इतनी जल्दबाजी में, अपना ये बन जाता है जो रॉक होती बन जाती है, कि जो उसके अंदर अंदर के जो आयंस हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज नहीं कर पाते, अपने आप को इस तरह वो नहीं जुड़ पाते कि वो किसी क्रिस्टल को बना पाए, ठीक है। तो इस करके इस ये ग्लासी टेक्सचर आ जाता है। इसके ग्लासी टेक्सचर के अंदर एक एग्जांपल है ऑब्सीडियन, ठीक है जी। तो साहब अभी अपन बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे पायरोक्लास्टिक टेक्सचर की। इसका अदर नेम है फ्रेगमेंटेड, मतलब क्या होता है कि जब वोल्केनिज्म होता है, जब इरप्शन होता है, तब क्या होता है अलग अलग रॉक फ्रेगमेंट्स, काफी सारी चीजें जो एकदम फटके निकलती हैं लावा से, इरप्शन होती है, एक्सप्लोजन होता है, उस टाइम पे जो अलग अलग रॉक फ्रेगमेंट्स हो, प्यूमाइस, वोल्केनिक ऐश, जब ये सब का मिक्सचर बन के एक पर्टिकुलर कोई रॉक बन जाए, उस तरह का जब एक टेक्सचर निकल के सामने आता है, तो उस तरह के टेक्सचर को हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक टेक्सचर, ठीक है सर। और जो वोल्केनिक ऐश है वो क्या होती है, फाइन ग्रेन्ड होती है, ठीक है। अब बहुत फाइन ग्रेन्ड होती है, इस करके हमें विजिबल क्या क्या होगा फिर, फ्रेगमेंट्स और रॉक फ्रेगमेंट्स और प्यूमाइस, इन दोनों, ये दोनों हमें विजिबल हो गए, इन दोनों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पायरोक्लास्टिक के अंदर ये सब, तो पायरोक्लास्टिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं। दोस्तों सिक्स नंबर पे आता है पैग्मेटिक टेक्सचर। पैग्मेटिक टेक्सचर बनता है हमारा फाइनल स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, जब हमारी क्रिस्टलाइजेशन का लास्ट फेज चल रहा होगा, फाइनल क्रिस्टलाइजेशन चल रही होगी, उस टाइम पे जो टेक्सचर बनता है जनरली वो पैग्मेटिक टेक्सचर होता है, एक्सट्रीम इग्नियस रॉक दैट फॉर्म ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी रॉक को पैग्मेटाइट होने के लिए उसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो कम से कम एक सेंटीमीटर डायमीटर के होने चाहिए, मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल्स होने चाहिए उसके। इस क्रिस्टल किस चीज के हो सकते हैं, जैसे क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता है क्योंकि क्वार्ट्स फेल्डस्पार लास्ट में क्रिस्टलाइज होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है बोवन रिएक्शन सीरीज के अंदर। तो इसका पेगमेटाइट का कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन के साथ कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू रॉक नाम चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे पेगमेटाइट हैव कंपोजिशन सिमिलर टू ग्रेनाइट, मान लो एक ग्रेनाइट की रॉक है, उसके अंदर बड़े बड़े फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका के क्रिस्टल्स पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर पड़े हैं, एक सेंटीमीटर से ज्यादा के पड़े हैं, तो हम उसको पेगमेटाइट, ग्रेनाइट पेगमेटाइट बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक अपने आप में कुछ नहीं है, ये रॉक के हिसाब से उसको मतलब नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इस चीज की, ठीक है। अदर एग्जांपल क्या हो सकती है, गैब्रो पेगमेटाइट, अगर वो रॉक गैब्रो होगी तो गैब्रो पेगमेटाइट, जैसे ग्रेनाइट फीदर तो ग्रेनाइट पेगमेटाइट, ठीक है साहब। तो भाई लास्ट में आता है वेसिकुलर टेक्सचर। इसके अंदर क्या होता है कि जब डिजोल्व गैसेस एंड अदर वोलेटाइल्स एस्केप करते हैं, कैसे, जब प्रेशर कम होता है, हमें पता है कि जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया होता है, जैसे हमारे पास कोक की बोतल है, उसके अंदर हाईली ऊपर से वो प्रेशराइज्ड होता है,
ठीक है, जब हम अपनी बोतल ऊपर से ढक्कन हटाते हैं तो एकदम गैसेस CO2 क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर कम हो गया। इसी तरह जब मैग्मा के ऊपर से प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा प्रेशर का, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो डिजोल्व गैसेस होंगी या फिर अदर वोलेटाइल्स होंगे वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अंदर वर्ड्स बन जाएंगे। अंदर क्या हो जाएंगे, वर्ड्स बन जाएंगे, अंदर खाली स्पेस बच जाएगी, और वो स्पेस, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टिंग वेसिकुलर टेक्सचर। ठीक है साहब, एग्जाम्पल में आता है पिमाइस और स्कोरिया। पिमाइस और स्कोरिया में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। स्कोरिया जो होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। स्कोरिया की खास बात यह है कि इतनी हल्की होती है, मतलब इसके अंदर इतनी होलो, इतनी खाली स्पेस होती है कि ये फ्लोट भी कर सकती है पानी के ऊपर। अगर हम पानी के अंदर इसको डालेंगे तो ये पानी के अंदर फ्लोट कर जाएगी, स्कोरिया की खास बात है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर पा रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।